अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं गरम मसाला, होममेड, घर पर हम बनाएंगे। ये हमने ले लिए है तेज़पत्ता, 5 ले लिए हमने बड़े बड़े, और दालचीनी ले लिए हमने 3 इंच के 3 टुकड़े, 3 पीस ले लिए हमने 3 इंच के। ये देखिए, से तोड़ के साफ कर लेना है। ये हमने बड़ी इलायची ले ली है 7 पीस ले लिए हमने, और ये हमने काली मिर्च और कबाब चीनी ले ली है। ये देखिए, कबाब चीनी इस तरह से होती है, ये देखिए इस तरह से दिखती है ये। ये हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है दोनों, और शाही ज़ीरा ले लिया है हमने 1 टीस्पून। ये हरी इलायची है, ये हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है। ज़ीरा ले लिया है हमने 1/4 कप। ये हमने जावित्री ले ली है 3 पीस ले लिए हमने, और ये बादियान के फूल स्टार फूल ले लिए हमने 5। जायफल ले लिया है हमने 1-2 टुकड़े। ये लौंग ले लिए है हमने 1.5 टेबल स्पून लौंग। धनिया पाउडर हमने 2 टेबल स्पून ले लिया है, सौंफ 1 टेबल स्पून। अब हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, सिर्फ 1 मिनट हमें करना है इसे। सभी खड़े गरम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे एक एक करके, सिर्फ 1 मिनट हमें इसे करना है। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं की है। ये देखिए, इस तरह से हमने काट के ले लिए, गैस ऑन कर दिया है हमने। सिर्फ हमें 1 मिनट ही इसे ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं करना है, नहीं तो इसमें वो टेस्ट नहीं आता है। अगर आप इसे भूनना नहीं चाहते तो आप इसे धूप भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, 1 मिनट हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसे ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे। अब हम ये सब जो पीस है बड़े बड़े, इसे हम इसे कूट लेते हैं खलबत्ते में। इस तरह से हम कूट लेना है इसे, सिर्फ छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम इसके भी सभी के। ये देखिए, इस तरह से कर लेना है सबके। बड़ी इलायची सबको हम छोटे पीस कर लेंगे, बारीक कर लेंगे इसकी मदद से, और हम मिक्सी के जार में अब हम इसे ले लेते हैं। और ये देखिए इसे हमने ग्राइंड करके ले लिया है, और ये इससे आप खाना बनाएं, चिकन मटन जो भी आपको बनाना है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही लजीज बनता है। ये हम हमारी रेसिपी में यही मसाला यूज़ करते हैं, आप भी इसी तरह से बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।